हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो हम कहीं पे आउटडोर तो जा नहीं सकते, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना किसी इंडोर मॉल में ही चले जाएं। और ये हम हडसन बे पे आए हैं, कनाडा का बहुत महंगा स्टोर है। यहाँ पर आपको हर टाइप की ब्रांड मिलेगी बट बहुत कॉस्टली होगी। पर हम इतने अच्छे शूज मिल गए हैं नाइकी के, तो हमने ये वाले बाय किए हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के शूज मिलते हैं, रीबॉक के हैं, नाइकी के हैं और अंडर आर्मर के। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सारे शूज पड़े हैं। हम अपने हडसन बे से जो भी लेना था, जो भी देखना था, हमने देख लिया और हम वहाँ से निकल गए। और अब हम जा रहे हैं तवासन मॉल, तो अब मैं आपको जाकर तवासन मॉल का विजिट करवाऊंगी और वो दिखाऊंगी। तवासन मॉल में आ गया हम, यहाँ पर इसकी मार्शल्स वाली शॉप में आए हैं। पर देखें कि मैंने और मेरी बहन ने वाइट कलर के शूज पहने हैं और ये सारी स्किन प्रोडक्ट्स भी पड़ी हुई हैं। इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के फेस मास्क लगाए हुए हैं और भी चीजें उसके साथ साथ। और हम मार्शल से होकर आ गए और अब हम कार्टर्स में आए हैं। ये जो शॉप है ये बच्चों की शॉप है, इसमें बच्चों के कपड़े पड़े होते हैं, न्यू बोर्न बेबी से लेकर यहाँ पर 12 इयर्स तक के पड़े होते हैं कपड़े। आपको अगर कोई भी शॉपिंग वगैरह करनी हो तो आप इस शॉप में आ सकते हैं। और आप इस शॉप में जब भी आए ना, आपको इतने क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं ना कि आपका दिल करता है आप वो सारी चीज़ें ले लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी क्यूट क्यूट थी चीज़ें पड़ी हैं इधर। और यहाँ पर देखिए कि कितनी छोटी सी ग्लासेस पड़ी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे और कितनी क्यूट क्यूट सी ग्लासेस मिल रही हैं छोटी छोटी। मेरा दिल कर रहा है कि सारी ले लूँ। और उसके नीचे छोटी छोटी सी सैंडल्स भी पड़ी हुई हैं बच्चों की, और ये भी बहुत क्यूट लग रही हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैं। हमने एक सॉफ्ट टॉय लिया था यहाँ पर, जिस पे बैठते हुए हम ऊपर राइड ले रहे हैं। और यहाँ पर ये वाले सॉफ्ट टॉय था जिस पे हमने ऊपर बैठ के बहुत ज्यादा राइड की और बहुत मजा आया। यहाँ पर हम विनर्स में आए हैं। विनर्स में भी जब आए तो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें मिलती हैं। यहाँ पर आपको बर्तन भी मिलते हैं, कपड़े भी मिलते हैं और जूतियाँ भी मिलती हैं। बट अभी हम तो बर्तनों वाले सेक्शन में हैं। सुबह तुम आएंगे, मैं सब कुछ आइडर सुबह तुम्हारे पास सब सुबह जा रहा है सब को मिले। ये दोनों तो हाथ है, मुझे खाने बच्चों को हाथ खाएंगे नहीं, बल्कि मैं दो आपा का मैं राइड आपा। चलो मैं आपको देता हूँ, खाली जाए उनको दें, अच्छा नहीं चाहिए बच्चों को भी आ जाओ। नहीं इसका कुछ डर डॉले फंसा फंसा ही हुआ अभी तक। और अब हमारी इंजॉयमेंट खत्म हो गया, हमने बहुत इंजॉय किया, अब हम घर जा रहे हैं। और अभी अभी मेरी खाला का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आज फैमिली डे है, यहाँ पे फैमिली डे का लॉन्ग वीकेंड चल रहा था, उन्होंने कहा बाहर जाके खाना खाते हैं, घर में नहीं खाते, तो अब हम वैंकूवर खाना खाने जा रहे हैं। और यहाँ पर हमने अपना खाना वगैरह खा लिया, अब हम डाउनटाउन जा रहे हैं, तो अब मैं आपको डाउनटाउन जाकर दिखाऊंगी। डाउनटाउन का जाने का रास्ता इतना खूबसूरत लगता है ना, आप जब देखो तो इतनी सारी लाइटिंग नज़र आती है आपको, और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ना जहाँ से आपको लाइट
नजर आती है और इतना प्यारा लगता है सीन। कनाडा में जिस जगह हम रहते हैं ना, यहाँ पे डाउनटाउन में ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह हैं, तो आपको, आप अगर डाउनटाउन में आएँ तो आपको बहुत ज़्यादा होटल और रेस्टोरेंट्स नज़र आते हैं। और यहाँ पर जो सारी बिल्डिंग्स होती हैं ना, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बनाई होती हैं, आप ये वाली भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी है। और यहाँ पर ये जो टैक्सी है, ये टैक्सी इन्होंने शूटिंग के लिए रखी होगी, क्योंकि इस टैक्सी पे कोई कंपनी का नाम वगैरह नहीं है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये टैक्सी इन्होंने शूट के लिए रखी हुई है। और यहाँ पर कनाडा में इस एरिया में यहाँ पर बहुत सारा जंकीज हैं, हालांकि गवर्नमेंट इनको बहुत सपोर्ट करती है, पैसे वगैरह सब कुछ देती है, इनके पास हर टाइप की फैसिलिटीज होती हैं, बट ये अपने घर जाते ही नहीं है, सिर्फ इधर ही घूमते रहते हैं, इधर ही फिरते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं। अब हम डाउनटाउन से भी निकल गए, मैंने कोशिश की कि मैं आप लोग को जितना दिखा सकती हूँ दिखाऊं। इसी के साथ साथ मैं अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह ताला हमें हासिदीन से भी बचाए, और जो हमसे हसद करते हैं अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे कि हमसे हसद ना करें, और अल्लाह ताला हमें बुरी नज़र से भी बचाए। आमीन।